नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। आज का वीडियो का प्रसंग है गौ माता और गाय माता का झगड़ा, गौ माता और गंगा माता का झगड़ा। अब ये दोनों में झगड़ा कैसे हुआ और बड़ा ही युद्ध हो गया। प्रिय दर्शकों, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। इस झगड़े की कहानी हम कुछ श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए और घूमते घूमते मां गंगा को देखकर और गौ माता को देखकर नारद के मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि क्यों न दोनों की परीक्षा ली जाए, दोनों में से सबसे ज्यादा पावन कौन है, किसकी मृतलोक में ज्यादा पूजा होती है। यही विचार कर, यही सोचकर नारद जी गंगा के पास पहुंच जाते हैं और गंगा से कहने लगते हैं, गंगा मैया, आपसे ज्यादा पावन तो गौ माता है, आपसे ज्यादा पूजा गौ माता की होती है, आपसे ज्यादा सम्मान गौ माता को मिलता है, आपसे ज्यादा मान सम्मान गौ माता को मिलता है, मृतलोक का बच्चा बच्चा गौ माता की ज्यादा पूजा करता है। ऐसी बातें करके नारद जी गंगा मैया को भड़का देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कथा बड़ी पावन कथा है, बहुत ही पावन कथा है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों ही तारणी है, मां गंगा भी तारणी है और गौ माता भी तारणी है। प्रिय दर्शकों, इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। एक पार लगाने वाली है तो दूसरी उतारने वाली है, एक पार लगाने वाली है तो दूसरी पार उतारने वाली है। प्रिय दर्शकों, दोनों ही जन्मों जन्मों के पाप को नष्ट कर देती हैं, इसलिए इस कथा को बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से सुने। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और कमेंट में जय गौ माता जय गंगा मैया जरूर लिखें। साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो। अपनी अपनी जगह पे दोनों पुजवान रही कहलाई, हिंदू धर्म की शान है दोनों घर घर में दोनों पुजवाए। किसने इनके कान में फूका दोनों को आया अभिमान, एक दूसरे से कहती हैं मैं हूं तुझसे अधिक महान। प्रिय दर्शकों, गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से कहने लगती हैं कि मैं तुझसे अधिक महान हूं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, गौ माता को बड़ी प्यास लगती है और गौ मैया गंगा में पानी पीने के लिए जाती है। जब गौ माता गंगा में पानी पीने के लिए जाती है तो गंगा मैया गौ माता को पानी पीते देख और गौ माता को खरी खोटी सुना देती है, भली बुरी बात कहने लग जाती है। कहती है गंगा मैया गौ माता से, क्या कहती है, कहती है, तुझसे ज्यादा मैं पावन हूं होता घर घर में मेरा सम्मान, तुझसे ज्यादा मैं पावन हूं होता घर घर में सम्मान, खुद को बड़ी बताने करती अपनी महिमा का गुणगान, खुद को बड़ी बताने करती अपनी महिमा का गुणगान। गंगा मैया अपना स्वयं का गुणगान करती है, कहती है, हे गाय, तुझसे बड़ी तो मैं हूं, मैं पावन हूं, मेरी घर घर में पूजा होती है। आगे क्या कहती है, एक रोज की बात बताएं, गौ माता को लगी थी प्यास, गाय गई थी पानी पीने गंगा को आया नहीं रास, गाय गई थी पानी पीने गंगा को आया नहीं रास। भड़क उठी वो गाय के ऊपर कहती तुझको शर्म न आए, भड़क उठी वो गाय के ऊपर कहती तुझको लाज न आए, गोबर लिपटी घुस गई जल में, गोबर लिपटी घुस गई जल में पानी गंदा दिया बनाए, गोबर लिपटी घुस गई जल में पानी गंदा दिया बनाए। गंगा मैया गौ माता को भरी बोली सुनाती है, कहती है, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती,
गोबर लिपटी हुई मेरे पावन जल में घुस गई और मेरे पावन जल को गंदा बना दिया। आगे क्या कहती है गंगा मैया गो माता से? कहती है, मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर दिया मिलाई, मेरे निर्मल जल में तूने अपना गोबर दिया मिलाई, तुझसे ज्यादा मैं महान हूं सुन ले आज रही बतलाई, तुझसे ज्यादा मैं महान हूं सुन ले आज रही हूं बतलाई। गंगा मैया गो माता से कहती है, गंगा मैया कहती है, सुन गाय, गाय तू कहलाए जानवर तेरी कीमत कुछ भी ना आए, गाय तू कहलाए जानवर तेरी कीमत कुछ भी ना आए, मैं पाहुन हूं मेरे आगे तेरी कीमत कुछ भी ना आए। गंगा मैया कहती है, गाय तू एक जानवर है, तेरी कीमत कुछ भी नहीं है, मैं पावन हूं, पूरी सृष्टि का मेरे से ही लालन पालन होता है। गंगा मैया की इतनी बात सुनते ही गाय सोच में पड़ गई, गो माता सोच में पड़ गई, सोचने लगी कि आज गंगा बहन को क्या हो गया, ये क्यों बढ़ कर रही है, कहती है मुझसे पावन कोई नहीं है, ये फालतू में क्यों भड़क रही है। तब तक गाय माता को कोई पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। गो माता यही सोच कि गंगा क्यों भड़क रही है, गो माता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब गंगा अपनी डींगे हांकने से पीछे नहीं हट रही थी, खोटी खरी बली बुरी गो माता को सुना रही थी, तो गो माता को भी अंत में गुस्सा आ गया और गो माता भी कहती है, सुन गंगा तेरी क्या औकात है मैं बताती हूं, तू कितनी पावन है ये मैं बताती हूं। गो माता गंगा से कहती है, गाय कहती है गंगा से भूल गई अपनी औकात, गाय कहती है गंगा से भूल गई तू अपनी औकात, बड़ी घमंडी हो गई है तू सींस पे रखे हैं तुझको भोलेनाथ, बड़ी घमंडी हो गई है तू सींस पे रखे हैं तुझको भोलेनाथ। और कहती है गाय माता, सुन गंगा लेकिन तू तो हर्जा ही है दुनिया जाने तेरी बात, लेकिन तू तो हर्जा ही है दुनिया जाने तेरी बात, अरे गांव गांव मैदान में बहती रहती नहीं पति के साथ, अरे गांव गांव मैदान में बहती रहती नहीं पति के साथ। और कहती है गाय माता, तू अभागन है तू अभागन मैं सुहागन, कहती है तू अभागन मैं सुहागन छोड़ दे अपना ये अहंकार, तुझसे ज्यादा मैं पावन हूं हमसे बुरा मत कर व्यवहार, तुमसे ज्यादा मैं पावन हूं हमसे बुरा मत करो व्यवहार। और कहती है गाय माता गंगा से, अरे शिव के सिर पे क्या बैठी तू, अरे शिव के सिर पे क्या बैठी तू माता कहकर लोग बुलाए, अरे शिव के सिर पे क्या बैठी तू तुझे माता कहकर लोग बुलाए, अरे मां का दर्जा पा लेने से इतनी ज्यादा ना इतराए, मां का दर्जा पा लेने से इतनी ज्यादा ना इतराए। गाय माता भी गंगा माता को खोटी खोटी सुनाने लगती है, खोटी खोटी सुनाने लगती है। इतनी गौ माता की बात सुन के गंगा मैया के भी ज्वाला भड़क उठी और गंगा मैया गौ माता से कहने लगी है, सुन गाय, सुन गऊ, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। कहती है, इतना सुनते ही गंगा को क्रोधित ज्वाला भड़की जाए, इतना सुनते ही गंगा को क्रोधित ज्वाला भड़की जाए, गुस्से में आकर गंगा ने दिया है खोटी खरी सुनाई, गुस्से में आकर गंगा ने दिया है खोटी खरी सुनाई। गंगा भी गौ माता को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। गंगा कहती है, सुन गाय, मेरे जल कितना पावन है। कहती है, अरे पुण्य पुण्य ही पुण्य है जल में एक बार जो डुबकी लगाए। कहती है, मेरा जल कितना पावन है ध्यान से सुन, अरे पुण्य पुण्य ही पुण्य है मेरे जल में एक बार जो डुबकी लगाए, अरे जन्म जन्म के पाप मिटा दू पापों से मुक्ति मिल जाए, जन्म जन्म के पाप मिटा दू पापों से मुक्ति मिल जाए। और कहती है गंगा, सुन गाय, लाखों जीव मर जाते हैं जो उनको स्वर्ग रही पहुंचाए। कहती है गाय, सुन तू क्या करेगी, लाखों जीव मर जाते हैं जो उनको स्वर्ग रही पहुंचाए, अरे पाक दामन है मेरा क्या तू पापी के पाप मिटाए।
पाक दामन है मेरा, क्या तू भी पापी के पाप मिटाए। और कहती है गंगा मैया गोमाता से, अरे घाट घाट पर मेला मेरा, घाट घाट तीरथ कहलाए। कहती है घाट घाट पर मेला मेरा, घाट घाट तीरथ कहलाए, अरे साधु संत ऋषि सन्यासी महिमा गाते थकते नाई। साधु संत ऋषि सन्यासी महिमा गाते थकते नाई। गंगा कहती है सुन गाय ये मेरी औकात है, साधु सन्यासियों का हमेशा मेरे घाट घाट पर मेला लगा रहता है, जहां भी लोग स्नान करते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाता है, वही हर घाट घाट तीर्थ स्थान बन जाता है, तेरी क्या औकात है। गंगा की तर्क वाली बात सुन के गाय माता के दिल में भी बड़ा उबाल आ गया और कहने लगी सुन गंगा, तुझसे ज्यादा बड़ी और महान मैं हूं, इसका सबूत पूरा संसार है, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि तुझसे ज्यादा बड़ी और महान मैं हूं। कहती है गाय माता गंगा सुन गंगा, पूरा विश्व पूरा संसार इस बात को जानता है कि तुझसे ज्यादा बड़ी और तुझसे ज्यादा महान मैं हूं और मैं ही रहूंगी। क्या कहती है गाय माता गंगा को, ज्यादा बड़ी और महान हूं इसका सबूत है सारा संसार, ज्यादा बड़ी और महान हूं इसका सबूत है संसार, अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान, अपने को ऊंचा बतलाने गौ माता ने किया बखान। गौ माता अपना बखान करती है, अपनी महिमा का गुणगान सुनाती है गंगा मैया को, कहती है अरे मेरे दूध का माखन खाए श्री कृष्ण गिरधर भगवान। सुन गंगा, अरे मेरे दूध का माखन खाए श्री गिरधर कृष्ण भगवान, मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान, अरे मेरे दूध के सेवन से ही निर्मल होते हैं बलवान। और कहती है गौ माता सुन गंगा, लाखों रोगी बीमारों को जीवन का मिलता वरदान, लाखों रोगी बीमारों को जीवन का मिलता वरदान, अरे सारी दुनिया मान रही है मेरे अमृत का एहसान, अरे सारी दुनिया मान रही है मेरे अमृत का एहसान। कहती है गौ माता गंगा को, अरे गोबर भी है काम का मेरा गंगा तुझको दू बतलाए, अरे गोबर भी है काम का मेरा गंगा तुझको दू बतलाए, भूमि को भी शुद्ध बना देता गोबर जहां दे लिपाए, भूमि को भी शुद्ध बना देता जहां गोबर देवे लिपाए। और कहती है गौ माता सुन गंगा, मेरे अंदर क्या खासियत है, यज्ञ विवाह कथा जब होवे, यज्ञ विवाह कथा जब होवे मेरा गोबर काम में आए, यज्ञ विवाह कथा जब होवे मेरा गोबर काम में आए, गौमूत्र भी जन उपयोगी, गौमूत्र भी जन उपयोगी रोग अनेको देव मिटाए, गौमूत्र भी जन उपयोगी रोग अनेको देव मिटाए। गौ माता गंगा से कहती है सुन गंगा, तेरी क्या औकात है, तुझसे ज्यादा पावन तो मैं हूं। प्रिय दर्शकों इसका अगला भाग अगले वीडियो में हम बनाएंगे, आगे गंगा मैया गौ माता से क्या कहती है और क्या दोनों में विवाद चलता है, प्रिय दर्शकों किस तरीके से दोनों में सुलह होती है ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, इंतजार करें अगले वीडियो का, गौ माता और गंगा मैया की लड़ाई का अगले भाग का। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करें जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों हमारे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक बातें और कहानियां आते रहती हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफी, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जी नमस्कार।